गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मिता शर्मा फ्रॉम आदर्श पानी निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे एक्सरसाइज इज 4.3। एक्सरसाइज कौन सी अपनी 4.3। हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की, नंबर स्टोरी। टुडे एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। एडिशन, इसमें भी क्या है अपना? एडिशन है। क्या है एडिशन? अप टू 20 चल रहे थे, अप टू 20 वाले एडिशन चल रहे अपने। पेज नंबर 33 अपनी बुक में निकालो बेटा, आप लोग ओपन करो पेज नंबर 33। Join each ice cream to its total, one has been done for you. Also color the ice cream. अब देखो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको join each ice cream को join करना है, ठीक है। ये आपकी क्या बनी हुई है यहाँ पे? ये आपकी ice cream है ना? एक इधर आपकी ice cream बनी हुई है, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे कौन हो? आप हो, ठीक है। अब देखो इसमें हमने ये बना दिए, है ना। ये क्या है अपनी आइसक्रीम है, और ये क्या है? एक मैडम है, एक आप हो, ठीक है। अब देखो इस आइसक्रीम के अंदर 5+7 लिख रखा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आइसक्रीम उसमें कितना लिख रखा है? 7+7, है ना, 7 और 7। तो इस यहाँ पे क्या है अपना? 14 है, और यहाँ पे क्या है अपना? 12 है, ठीक है। अब हमें ऐड करना है, क्या करना है इनको? एडिशन करके देखना है, और क्या करना है? ज्वाइन करना है, मैच करना है। अब देखो यहाँ क्या है? 5 और यहाँ 7 है, तो हम क्या करेंगे? 5 को और 7 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी इनको काउंट करेंगे। 5 और 7 कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए अपने? 12 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 आ गया। अगर इनको हमने, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे बेटा इनको अगर हमने ऐड करा तो कितना आया अपना एडिशन इनका? तो 12 आ गया। तो अपने पास अब क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, यानी यहाँ पे ये 12 है, इसका मतलब ये इसके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है और 7 है, तो यहाँ हमने लिखा 7, इसके बाद में 7, तो 7 7 कितने होते हैं? 7 7 हमेशा कितने होते हैं? 14। कितने हो जाएंगे? 14, है ना। तो यहाँ अपने 14, अब देखो यहाँ पे अब 14 है ना, तो इसका जो अब ज्वाइन किससे करेंगे? 14 वाला जो नंबर है उस वाले से ज्वाइन करते, ठीक है। यानी आपको ये जो आइसक्रीम के अंदर जो नंबर है उन नंबरों को एडिशन करना है। उसके बाद में ये जो आपकी पिक्चर आ रखी है ना, उसपे स्माइली फेस पे आपको मैच करना है। तो ये आपका फर्स्ट वाला होमवर्क बना अपन, लेट्स गो। इसको माइक ऑफ करो बेटा। लास्ट में आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अब देखो सेकंड में यहाँ पे भी क्या बनी हुई है आपकी? ये देखो आइसक्रीम है। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो आप? पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 में निकालो बेटा फर्स्ट वाला। उसके बाद में यहाँ अपना 6 है+9, फिर इस आइसक्रीम में बनी हुई है। देखो ये वाली आपकी बुक में आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम बनी हुई है। उस आइसक्रीम में कितना है? 9 है एंड 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी येलो ड्राइंग बना दी, स्माइली फेस बना दिया ना इसमें।
अब इसमें नंबर है आपके 17, इसके कितने हैं 17 और इसके क्या है 15। अब आपको देखना है कि कौन सी इनका इन आइसक्रीम के अंदर जो नंबर्स हैं उनका जो टोटल है वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अब पहले हम जो 6 है उसको 9 को ऐड करेंगे, 6 और 9 को ऐड करेंगे, है ना। तो 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 9 में 6 को ऐड करो, अगर आप ऐसे करो तो ठीक है, बाकी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। उसके बाद में 6 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 के बाद में 3 6 नंबर को ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 15, कितने हो जाएंगे 15। अब यहाँ पे देखो स्माइली फेस बना हुआ है, उस फेस से हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, यानी हमने 6 को और 9 को एडिशन किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 15। तो यहाँ पे भी क्या है अपना 15, तो इससे क्या करना आपको मैच करना है, बुक में देखो मैच करो बेटा। उसके बाद है 9 और 8, यहाँ लिखा हमने 9 और यहाँ लिखा 8, अगर आपको क्या है लाइनें ड्रॉ नहीं करनी है, लाइन क्या ड्रॉ नहीं करनी है, उसमें क्या करना है 9 के आगे वाले जो नंबर है वो रीड कर लेना, 9 के बाद क्या आ गया अपना 10 आ गया। अब 10 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 8 18, तो यहाँ क्या 17, है ना, तो यहाँ क्या आ गया 17 आएगा, है ना, तो ये हो गया अपना 17, ठीक है। अब आपकी बुक में ऐसे बनी हुई है ना, तो आपको ऐसे मैच करना है इसको बुक में। उसके बाद में क्या पूछ रहा है वो, कलर द आइसक्रीम, आपका जो भी फेवरेट कलर है आइसक्रीम का उसमें आपको आइसक्रीम में क्या करना है, कलर फिल करना है, ठीक है बेटा। पेज नंबर 33 में यहाँ पे आइसक्रीम में आपको कलर फिल करना है। फिर है एड द फॉलोइंग, आपको क्या है नंबरों को एड करना है, एडिशन करना है। फर्स्ट वाला आपको समझ में आया ना कैसे करना है, मैंने वो कबूतर निकल गई मैम, इसको बुक में चले गई मोहम्मद फरमान। अब सेकंड, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड में देखो ऐड द, आपको नंबर को ऐड करना है, यहाँ है 5 एंड 8, है ना, 5 4 8 को ऐड करो आप, तो 5 में 8 को ऐड किया तो कितने हो जाएंगे, जैसे यहाँ लिखा हमने 8 हो गया, हाँ 13 हो गया बेटा, अब 5 लिख देंगे, 5 नंबर और लिख देंगे हम 8 के आगे वाले, तो यहाँ आ गया अपना 9 10 11 12 एंड 13, तो कितने लिखने थे हमें 5 लिखने थे, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने आ गए 13। अगर ऐसे देखो 6 में आपको मतलब 4 ऐड करने हैं, तो 6 के बाद में आप क्या करोगे, 6 तो हमने लिख दिया, 6 के बाद हमें 4 नंबर और बोलने हैं, तो 6 के बाद क्या आ गया 7 8 9 एंड 10, तो कितने नंबर ऐड करने थे 4 नंबर, तो 1 2 3 एंड 4, तो कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। ये अपना फर्स्ट वाला। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है, क्यूब बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं इसमें 8 एंड 3, 8 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है 8 है, ऊपर कितने हैं 8 है, नीचे कितने हैं 3 है, तो कितने हो गए अपने 11, 8 लिखा, 8 में हमें 3 ऐड कर देंगे, तो 8 के बाद क्या आ गया अपना आफ्टर नंबर 9 10 एंड 11, तो कितने ऐड करने थे हमें ओनली 3 नंबर, तो यहाँ पे आ गया 1 2 एंड 3, तो ये कितने हो गए अपने 11, तो यहाँ आ गया अपना 11। अब एट द फॉलोइंग थर्ड वाले में भी क्या करना है आपको, एडिशन करना है, ये सेकंड हो गया आपका, अब कौन सा है थर्ड, उसमें भी क्या करना है आपको, एडिशन ही करने हैं 6 एंड 5, आपको 6 में 5 को ऐड करना है ए वाला, ये बी का देखो 7 में 8 को ऐड करना है, उसके बाद में सी में 7 एंड 7,
फिर है एट एंड एट, एट एंड एट। अब यहां देखो कि सिक्स में आपको फाइव को ऐड करना, आप लोग लाइन ड्रॉ मत करो, आप लोग क्या लिखोगे पहले सिक्स लिख लो। अब सिक्स के अंदर आपको कितने नंबर ऐड करने हैं, फाइव, तो सिक्स के बाद हम फाइव नंबर लिख लेंगे। तो सेवन, सिक्स के बाद क्या आ गया अपना, सेवन आ गया, एट आ गया, नाइन आ गया, टेन आ गया, और कितने हमने काउंट किया भी, वन टू थ्री फोर, लेकिन हमें नंबर के काउंट करने हैं, फाइव करने हैं, है ना। तो यहाँ पे एक क्या लिख देंगे, इलेवन। तो कितने हो गए, अगर हमने सिक्स में कितने नंबर ऐड कर दिए, फाइव नंबर, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो लास्ट नंबर क्या आया अपना, इलेवन। क्या आया, इलेवन। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, इलेवन। अब यहाँ क्या है बेटा, सेवन है, तो सेवन में एट को ऐड करना है, सेवन में एट को ऐड करेंगे तो ये आ गया अपना, सेवन को तो काउंट करना ही नहीं, उसके बाद वाले एट नंबर काउंट करने, तो सेवन के बाद क्या आ गया, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड फिफ्टीन, तो कितने हो गए यहाँ पे, अगर सेवन में हमने किसको प्लस कर दिया, एट को प्लस करा, एट को प्लस कर दिया तो कितना आ गया अपना, फिफ्टीन। क्या आया अपना, फिफ्टी, तो यहां लिखेंगे हम फिफ्टी। सेवन सेवन जा, सेवन सेवन जा कितने होते हैं, फोर्टीन, सेवन सेवन जा कितने होते हैं, फोर्टीन, तो यहां हम लिखेंगे फोर्टीन। एट एट जा सिक्सटीन, एट एट जा कितने होते हैं, सिक्सटीन, तो यहां लिख देंगे हम सिक्सटीन। अगर नाइन नाइन पूछे तो कितने हो जाएंगे, नाइन नाइन एटीन, फाइव फाइव टेन, टू टू पूछे तो कितने हो जाएंगे, फोर, आया समझ में। मैं दो सवाल करूं, एडिशन ऑफ द सिंगल एंड डबल डिजिट नंबर, अभी हमने जितने भी एडिशन किए हैं वो कौन से डिजिट थी, सिंगल डिजिट थी, यानी वन डिजिट के एडिशन किए हैं। अब जो एडिशन है वो हमारे डबल डिजिट है, यानी टू डिजिट के एडिशन है इसमें। अब द बीट द क्लॉक में देखो, टू डिजिट वाले एडिशन है, बीट द क्लॉक दे रखा है पेज नंबर 34 पे, 34 पे, पेज नंबर 34 ओपन करो बेटा। बी का क्लॉक, ये तो आपके एडिशन है, देखो बस 11 लिख रखा है, 11 को 11 में आपको 7 को ऐड करना है, ठीक है, उसके बाद आपका 13 ले रखा है, उसके बाद में 6 हो गया, 2 एंड 1 18 एंड 1 फिर 13 एंड 2 लास्ट का अपना 14 एंड 14। आप देखो 7 और 1 8 हो गए, 8 का 8 लिख दिया हमने, अब बच गया कितना अपना 1 बच गया, तो 1 को नीचे लिख देंगे ऐसे। अब देखो 3 और 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 6 के बाद क्या आ गया, 6 के बाद क्या आ गया, 7 8 एंड 9, यहां आ गया अपना 9 और यहां पे 1 का 1, यानी 13 और 6 कितने हो गए, 19, ठीक है। अब 8 और 1, पहले ये वाला जो वंस वाले जो नंबर है उनको ऐड करेंगे, है ना, टेंस वाला नहीं करेंगे, है ना, ये टेंस वाला नंबर है। अब जैसे ये नंबर लिखा मैंने, तो ये तो वंस है अपना, और ये क्या है, टेंस है। टेंस कैसे हुआ, क्योंकि 20 में हमने 2 को प्लस करा, तभी तो क्या बना अपना, 22 बना। तो यहाँ पे 8 और 1 कितने हो गए, 9,
और यहाँ पे वन, तो ये कितने बन गए 19, 3 और 5, 3 और 2, 5 एंड यहाँ पे 1 यानी 15। अब देखो 4 और 4 कितने बताए थे मैंने अभी 8, 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, तो यहाँ हमने लिखा 8 यानी जो वंस वाले नंबर थे उनको हमने ऐड कर दिया। अब हमारा जो टेंस वाले नंबर कौन कौन से रह गए, 1 1 क्या है टेंस वाले नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्या आया 2। अब देखो इसमें एडिशन टेबल है ना, एक्टिविटी दे रखा है देखो इसके अंदर, यानी 2 को और 2 को हमने प्लस किया, यहाँ पे टेबल दे रखी है, देखो आप कोई भी नंबर ऐड कर लो, एक बार स्कैन कर देती उसके बाद आप लोग करना बेटा इसको, ये बुक में ही फिल करने है आपको। अब देखो इसमें प्लस करा, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दे रखा है ना, फिर यहां से भी ऐसे नंबर दे रखे हैं, एट एंड नाइन एंड टेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर इसके नीचे कौन सा नंबर आ रहा है अपना, यानी 2 को 2 को हमने प्लस किया तो यहाँ क्या आ गया 4 आ रहा है ना, अगर 3 को 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 6 आएगा, क्या आएगा 6 आ गया, अगर 3 को ऐड करा तो क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही इसमें आपको जैसे 8 दे रखा है और एक यहाँ पे 7 दे रखा है, उसकी राइट साइड में क्या आ रहा है देखो 15 आ रहा है, क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो ऐसे ही आपको ये नंबर और ये नंबर लेके इनको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है, क्या करना है एडिशन करना है, तो आगे वाला जो स्टेट नंबर है वो क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा उसमें। पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 देखो एडिशन ऑन द नंबर स्ट्रिप, अभी मैंने जो नंबर बताए थे वैसे इसमें एडिशन कराई हुई है ना, पेज एक्सरसाइज 4.4, पेज नंबर निकालो 36, पेज नंबर ओपन करो 36, मैम मैंने निकाला, पेज नंबर 36 ओपन करो बेटा, इसमें आप लोग ये जो एडिशन टेबल दे रखी है उसमें आपको ऐड करना है नंबरों को, ठीक है, यानी 4 को और 3 को ऐड करते हो तो आपका यहाँ सामने नंबर क्या आ रहा है, अगर 4 और 3 है उसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ लिख रखा है 7, जो भी है उस पर आप सर्कल बनाते रहो कि आपने जो ऐड करा उसका कौन सा नंबर आया। लुक एट द नंबर स्ट्रिप, लुक एट द नंबर 0 to 10, एक्सरसाइज 4.4, मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आप देखो एक्सरसाइज कौन सी इसमें 4.4, एड ऑन द नंबर स्ट्रिप है ना, एक पट्टी बना रखी है इसमें जो नंबर है स्ट्रिप ना वो नंबर देखने है अपने को, पहले हम जो वो बनाते हैं स्ट्रिप बनाते हैं 1 0 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड टेन, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिप बन गई है। अब यहाँ पे देखो एक बार एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पे 12 दे रखा है, क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, 11 एंड 12, यानी हमें 12 में क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, है ना। तो 12 में क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, तो यहाँ पे इसको ये हो गया 13, 14 एंड 15, 16, 17 एंड 18, यानी जितने भी आपके नंबर है इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिप बनानी है। जैसे 12 का है उसका मतलब हमें 20 तक नंबर लेके जाने हैं, ठीक है। अब इसमें आपको 6 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 6 करना है, तो यहाँ पे अपना 12 आ गया, है ना। तो 12 में हमने अभी मैंने बताया था ना वही है इसमें, तो 14 हो गया, उसके बाद में 1 ऐड करा तो 15 हो गया, उसके बाद में 16 हो गया, 17 हो गया, लास्ट कितना हो गया, 18 हो गया। अभी जो नंबर बताए थे मैंने उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18, क्या आ जाएगा, 18, यानी 1-1 नंबर हमें इसमें ऐड करना है, 1-1 नंबर क्या करना है, ऐड करना है। अब 20 तक दे रखा है इसमें भी देखो, तो 12 में जो सा नंबर देखो इसमें फर्स्ट का, ए में देखो इसमें क्या दे रखा है, 12 प्लस 13, तो यहाँ पे अपना ये आ गया 12 आ गया, क्या आ गया, 12 आ गया यहाँ पे। तो 12 में क्या प्लस करना है, हमें 12 में क्या करना है, 3 को ऐड करना है, है ना। तो ये 12 के अंदर हमने 1 को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 13, फिर हमने 1 को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 14, फिर हमने 1 को ऐड किया तो क्या बन गया, 15, यानी नंबर कितने ऐड करने थे हमें, ओनली 3 नंबर ऐड करने थे। तो ये आ गया अपना 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15, क्या आ जाएगा, 15। उसके बाद में 16 प्लस 4, ये ए का हो गया, अब बी का देखो, अब पहले इसमें बनी हुई है आप लोगों की बुक में, टेन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। अब क्या ऐड करना है अपने को, 16 में 4 को ऐड करना है, है ना। 16 में किसको ऐड करना है, 4 डिजिट ऐड करनी है। तो यहाँ पे पहले आप लोग नंबर पे जाओ, 16 वाले नंबर पे जाओ, देखो 16 वाला नंबर आपकी बुक में देखो, ठीक है। अब ये 16 आ गया, ठीक है, यहाँ पे अब 16 में हमें कितने डिजिट ऐड करने हैं, 4 करने हैं। तो 16 में हमने 1 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया अपना, 17। 16 में अगर 1 को प्लस कर दिया तो 17 हो गया। अब हम अगर 17 में एक और डिजिट प्लस कर दी तो कितने आ गए अपने, 18 आ गया, क्या आया, 18 आया। उसके बाद में हम 18 में 1 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 19 आ गया, क्या आया अपना, 19 आया। अब 19 में अगर हमने 1 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 20, क्या आया, 20। यानी हमें कितने नंबर ऐड करने थे, हमें 4 नंबर ऐड करने थे, कितने करने थे, 4 करने थे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 नंबर को हमने ऐड किया तो क्या आया अपना, 20, क्या आ गया यहाँ पे, 20 आया। समझ में आपको कैसे करना है, आप देखो 3 प्लस 8
यानी 3 को और 8 को ऐड करना है आपको। तो आपकी बुक में दे रखा है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, ठीक है। ऐड क्या करना है आपको, 8 में आपको, 8 में आपको कितना नंबर ऐड करना है, 3 में ऐड करना ना, 3 plus 8। अब देखो अच्छे से, 3 plus 8 हो गया। अब यहाँ पे 3 है अपना नंबर, ऐड कितने करने हैं अपने को, 8 नंबर ऐड करने हैं। तो इसमें हमने 1 को ऐड किया, अच्छे से देखो बेटा। अब जैसे 3 है तो 3 में हमने 1 को प्लस कर दिया तो कितना हो गया अपना, 4 हो गया। अगर आप 4 में 1 को प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 5, फिर 1 को प्लस कर दिया 6, फिर 1 को प्लस करा 7, फिर 1 को प्लस करा 8, फिर 1 को प्लस करा 9, फिर 10 और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 11। यानी कितने नंबर ऐड करने थे अपने को, 8 नंबर। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 को ऐड किया तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है अपने स्ट्रिप में, है ना, कौन सा आया अपना, 11, है ना, क्या नंबर आया, 11। तो यहाँ हम लिखेंगे 11। आया समझ में बेटा आप लोगों को, आप इसमें देखो पेज नंबर 36 में सेकंड का क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है आपको, एडिशन ही करने हैं, है ना। तो ये आपको यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपको अपनी बुक में फिल करना है अपने आप सेल्फ से, आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको कंप्लीट करना है अपनी बुक में,